दोस्तों, पूनम पांडे की मौत की खबर ने हर किसी को सुन कर दिया था। सभी हैरान थे क्योंकि 32 साल की उम्र में पूनम का निधन हो जाना, इट्स शॉकिंग। एक्ट्रेस की अचानक मौत की खबर पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। पूनम के निधन की खबर सुनकर हर किसी को गहरा सदमा लगा था। लेकिन 12 बजे तक ये न्यूज आ चुकी थी कि पूनम पांडे की डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो जिंदा है। और ये सब उन्होंने सभी को सर्वाइकल कैंसर से अवेयर करने के लिए किया है। और ये सब सुनने के बाद सभी पूनम पांडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं, जहाँ टीवी के बहुत से सितारों ने अपना शॉकिंग रिएक्शन दिया है पूनम पांडे की डेथ को लेकर। तो चलिए जानते हैं किसने क्या कहा है। नंबर एक, अली गोनी ने लिखा, सस्ता प्रचार स्टंट, ये और कुछ नहीं था। आप लोग सोचते हैं कि ये मजेदार है, आपको और आपकी पीआर टीम को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ कि उन हारे हुए लोगों और सभी मीडिया पुतलों के लिए, हम यहाँ के लोगों ने आप पर भरोसा किया है और अब आप सभी पर शर्म आती है। नंबर दो, प्रिंस नरूला। अभिनेता प्रिंस नरूला ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सो यू नो व्हाट, कल हम सब के लिए बहुत सैड दिन था। मैंने ये सुना कि पूनम पांडे इज नो मोर, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ शो किया है, इसलिए मैं बहुत शॉक में था। कल का पूरा दिन इट वॉज लो, पर अभी जब मैंने इंडिया लैंड किया और मुझे पता चला शी इज अलाइव एंड शी इज सेइंग कि ये सब अवेयरनेस के लिए था, यू कांट फेक इट। नंबर तीन, राखी सावंत। इस वीडियो में राखी बहुत गुस्से में कहती नजर आ रही हैं, पूनम पांडे तूने तो हमारी जान ले ली, तू पागल है क्या, ऐसे कौन पब्लिसिटी स्टंट करता है यार, तू मीडिया वालों से खेली, तेरे फैंस लोगों से खेली, तू मेरे दिल से खेली, क्या खिलवाड़ तूने कर दिया और वीडियो बनाकर भेज दिया कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, ऐसा गंदा कोई प्रैंक करता है क्या, पागल। नंबर चार, अली मर्चेंट। लॉकअप सीजन 1 में पूनम पांडे के साथ नजर आया अभिनेता अली मर्चेंट ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब मुझे पूनम के बारे में ये न्यूज आई थी, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था और शॉक था और मैं बहुत डिस्टर्ब था इमोशनली और मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे सुबह ही पता चला, मुझे ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड लगा। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उन्हें नहीं पता पूनम पांडे कौन है और फिर उन्हें यही लगता है कि इंडस्ट्री में सभी लोग ऐसे करते हैं, ये बहुत गलत है, किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यहाँ आप खुद की ही मौत का मजाक उड़ा रहे हो, सो लो स्टैंडर्ड। दोस्तों, आप इन सितारों के रिएक्शन से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।